हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉय मल्ली। दोस्तों, मानसून तो आ गया है, अभी मानसून का सीजन है, लेकिन मानसून के साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम आ गया है हमारे लाइफ में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ प्रॉब्लम और सोल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर होते हैं, ताकि आप मानसून को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि आप देख सकते हो ऑनलाइन मेरे वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉनसून का प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है ग्रीसी हेयर। मॉनसून में ह्यूमिड बहुत होने की वजह से हमारा जो हेयर होता है उसका स्कैल्प बहुत ग्रीसी हो जाता है, चिपचिप जैसा लगता है एंड बिल्कुल भी शाइनी एंड बिल्कुल भी सिल्की नहीं लगता है। तो इसलिए सोल्यूशन ये है कि आप ड्राई शैम्पू यूज़ कीजिए। लेकिन ड्राई शैम्पू मार्केट में खरीदने तो मिलता है, लेकिन वो थोड़ा सा प्राइसी भी होता है ना। अगर आप ख़रीदना नहीं चाहते हो तो टेलकॉम पाउडर तो होगा ही आपके घर पे, या बेबी पाउडर, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा अपने स्कैल्प पे लगा लो और थोड़ा सा ऐसे मसाज कर लो, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अब वो जो टेलकॉम पाउडर का जो वाइट वाला पाउडर है वो आपके हेयर में बैठ जाएगा और वाइट हेयर दिखेगा। सो थोड़ा सा लेके आप थोड़ा सा ऐसे मसाज कीजिए, तो क्या होगा, जो वो जो ग्रीसीनेस है वो बिल्कुल चला जाएगा। प्रॉब्लम नंबर टू, हम स्किनी फिटेड जीन्स और टॉप्स पहनना तो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा कर्व्स और हमारा बॉडी बहुत अच्छे से दिखता है। लेकिन अगर आप बारिश में भीग जाओगे तो वो बहुत आपको अनकंफर्टेबल और बहुत अनइजी फील कराता है, और उसके साथ साथ आपको सर्दी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा फ्लोई ब्रीदेबल कपड़े पहनिए, और अवॉइड कीजिए जीन्स का कपड़ा और थोड़ा सा मोटा जो फैब्रिक होता है वैसा वाला फैब्रिक आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो सूखने में बहुत टाइम लगेगा और उसमें से आपको सर्दी लग सकता है, अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो उसके जगह पे आप क्या पहन सकते हो, नायलॉन के कपड़े और प्लाजोस पहन सकते हो, और सिंथेटिक के कपड़े पहन सकते हो जो जल्दी से बारिश में सूख जाएगा और आपको ब्रीदेबल भी फील होगा। और जीन्स के बदले में ट्रेंडी क्लोथ्स में आप क्यूलॉट्स, शॉर्ट्स पहन सकते हो। अगर शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहते हो, कैप्रीज भी पहन सकते हो, प्लाजोस भी पहन सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। प्रॉब्लम नंबर थ्री इज शूज। अगर आप स्नीकर्स, स्पोर्ट्स शूज़ या तो लेदर का शूज़ पहनोगे, और बारिश हो गया, अगर आप बारिश में वो शूज़ भीग गया तो उसके अंदर अगर वाटर चला गया तो आपका शूज़ ख़राब हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो पैर है वो बहुत देर तक गीला रहेगा और बहुत सारे कीचड़ भी आपके शूज़ के ऊपर लग जाएगा, जो बहुत डर्टी दिखता है, एंड ऑब्वियसली उसके साथ साथ आपको सर्दी भी लग सकता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप ये सारे शूज़ अवॉइड कीजिए, उसके बदले में आप रबड़ के शूज़ यूज़ कीजिए, प्लास्टिक का शूज़ यूज़ कीजिए, जैसे कि क्रॉक्स होता है, लेकिन क्रॉक्स बहुत महंगा होता है, लेकिन उसका ड्यूप्स तो बहुत सारे है मार्केट में जो बहुत अफोर्डेबल होता है। और ऐसा शूज़ आप चॉइस कीजिए जिसके नीचे पे ना ऐसे बिल्कुल फ्लैट ना हो, थोड़ा सा ग्रिप हो, क्योंकि अगर बारिश में हर जगह पे तो गीला रहता है, अगर नीचे पूरा फ्लैट होता है, ग्रिप नहीं होता है शूज़ के नीचे, तो स्लिप हो सकता है, आप गिर सकते हो। तो इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी चप्पल या जो भी शूज़ पहन रहे हो उसके नीचे अच्छे से ग्रिप हो। प्रॉब्लम नंबर फोर इज स्किन रैशेज। मॉनसून के टाइम में बहुत सारे बैक्टीरियाज होता है जो हमारे स्किन को अफेक्ट करता है, और बहुत सारे स्किन रैशेज हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपना स्किन बहुत क्लियर रखिए, मतलब फेस का स्किन आपको CTM प्रोसेस तो फॉलो करना ही है, उसके साथ साथ आपका अंडर आर्म, आपका बॉडी पार्ट्स, आपका फीट, सब कुछ बहुत क्लीन रखिए। और उसके साथ साथ कुछ एसेंशियल ऑयल जो होता है, स्पेशली टी ट्री ऑयल जो एंटी बैक्टीरियल होता है, वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो टी ट्री ऑयल काइंड ऑफ मे बी योर फ्रेंड इन मॉनसून सीजन, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो हमारे सारे प्रॉब्लम्स, सारे बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स से हमें दूर रखता है। तो ये टी ट्री ऑयल आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एज अ टोनर यूज़ कर सकते हो। टोनर के अंदर आप थोड़ा सा एक या दो ड्रॉप टी ट्री ऑयल डाल के आप फेस पे अप्लाई कर सकते हो। अगर कहीं पे भी आपको फंगस इन्फेक्शन हो गया है तो उस जगह पे थोड़ा सा टी ट्री ऑयल आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, या तो आप नहाने के जो पानी होता है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ है स्किन रैशेज और फंगस इन्फेक्शन का, उस जगह पे आप टी ट्री ऑयल अप्लाई कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर फाइव इज़
हेयर रैशेज एंड डैंड्रफ। स्किन के साथ साथ हमारे हेयर पे भी बहुत सारे रैशेज हो जाता है, छोटे छोटे दाने हो जाता है, बहुत डैंड्रफ हो जाता है। इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। अगर आपके स्कैल्प पे ऐसे रैशेज हो रहा है देन सेम यू कैन वॉश योर हेयर विथ टी ट्री ऑयल। लेकिन उससे भी बेहतर है कि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करोगे। मैं क्या करती हूँ कि एक मग में मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, उसमें मुझे जितना सा शैम्पू लेना होता है उतना सा शैम्पू ले लेती हूँ। उसके बाद एक या दो चम्मच मैं एप्पल साइडर विनेगर ऐड करती हूँ। उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके मैं अपने शैम्पू के जैसा मैं अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ। दिस वर्क्स ग्रेट जब आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर आपको फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज़ द बेस्ट और ईजिएस्ट, लाइक आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि शैम्पू तो आप करोगे ही, उसके अंदर आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल दो और आपका सारा जो स्कैल्प का जो जितना वो इचिंग वाला प्रॉब्लम, फंगस वाला प्रॉब्लम और डैंड्रफ वाला प्रॉब्लम सब कुछ दूर हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 इज स्मेली फीट। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि ये कितनी इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। आप अगर बाहर जाओगे दोस्तों के साथ, कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपका फीट स्मेल हो रहा है तो बहुत गंदा वाला फीलिंग्स होता है। तो इसका भी सलूशन है मेरे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कवर शूज़ जो होता है, जो मैंने बोला है स्नीकर्स और स्पोर्ट शूज़, ये सब अवॉइड करना है। और अगर आपका मजबूरी है कि अगर आप ऐसे काम करते हो कि आपको हमेशा कवर शूज़ पहनना पड़ता है हर रोज़, तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप घर आओगे तो शूज़ के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा वो लैवेंडर ऑयल भी आप एक दो ड्रॉप डाल सकते हो, सो दैट द शूज़ विल बी क्लीन ऑफ ऑल द बैक्टीरिया। और उसके साथ साथ आपको रोज़ आपका फीट थोड़ा सा हॉट वाटर, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो और थोड़ा सा टी ट्री ऑयल और लैवेंडर ऑयल डाल दो। 5 to 10 minutes के लिए आप रख दो अपना पैर, तो क्या होगा, जो वो स्मेली फीट कॉजिंग जो बैक्टीरियाज होता है वो ख़त्म हो जाता है, आपका फीट पूरा क्लीन रहता है। एंड मॉर्निंग आपका शूज़ तो क्लीन हो ही गया होगा, तो आप बाहर निकलिए तो आपका कोई स्मेली फीट का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको आपका जो सॉक्स है डेली आपको चेंज करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉब्लम नंबर 7 इज़ बारिश में हमारा जो बैग है कभी कभी भीग जाता है, तो उसके वजह से हमारा बैग के अंदर का जो सामान है वो भी भीग जाता है, स्पेशली वॉलेट और मोबाइल का तो पूछो ही मत। इसलिए मॉनसून के टाइम पे हमेशा 2-3 एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग कैरी कीजिए, जिप लॉक बैग कैरी कीजिए, जिसके अंदर आप आपका जो इम्पॉर्टेंट सामान जैसे कि मोबाइल, पर्स आप रख सकते हो, कुछ पैसे भी आप रख सकते हो जिप लॉक बैग के अंदर, सो दैट यू कैन टेक इट आउट एनी मोमेंट। और अम्ब्रेला इज़ अ मस्ट हैव थिंग यू नीड टू कैरी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने अम्ब्रेला यूज़ किया है, अभी आपको ऑफिस के अंदर या तो कॉलेज के अंदर जाना है, तो उस टाइम पे आपका अम्ब्रेला भीगा है, तो उसको भी आपको फोल्ड करके रखने के लिए आपको प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए हमेशा 2-3 एक्स्ट्रा कैरी बैग, प्लास्टिक बैग कैरी कीजिए अपने बैग के अंदर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा टिप्स एंड हैक्स एंड सोल्यूशन टू मेक योर मॉनसून लाइफ वेरी इजी एंड वेरी प्रीटी। मुझे जो लगा, मैंने बहुत कोशिश किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा है, ये यूजफुल लगा है, देन आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक करना है, जल्दी से लाइक कीजिए, 500 लाइक्स तो होना ही है। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट एंड कीप स्माइलिंग। तो बेबी पानी में हम डिटॉल नहीं डाल सकते क्या? हाँ डाल सकते हो ना। तो फिर मैं इतना महंगा टी ट्री ऑयल क्यों डालूं? लेकिन टी ट्री ऑयल यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन योर फेस, बट डिटॉल आप डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, और नहीं नहाने के पानी में आप डिटॉल अप्लाई कर सकते हो। तो बेबी ये एप्पल साइडर विनेगर नहीं डाल सकते डिटॉल की जगह पे? नहीं डाल सकते, आपका सारा जो बाल है ना वो सारा चला जाएगा। तो फिर आपने तो बोला कि बालों में लगा सकते, एप्पल साइडर विनेगर लगा सकते हो, डेटॉल नहीं लगा सकते हो? नहीं, मैंने बोला डेटॉल की जगह पे एप्पल साइडर विनेगर डालो ना। कहाँ पे? पूरी बॉडी के लिए नहीं।